पंजाब और हरियाणा में धान खरीद को 11 अक्टूबर तक टालने पर किसानों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। सरकार ने आज से ही धान सहित सभी खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने का फैसला किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका ऐलान किया। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के बाद मनोहर लाल ने कहा, मानसून में देरी की वजह से केंद्र सरकार ने धान और बाजरे की खरीद को 1 अक्टूबर से टालकर 11 अक्टूबर कर दिया था। इसको जल्द ही शुरू करने की मांग है, खरीद कल से ही शुरू हो जाएगी। अश्विनी चौबे ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि खरीफ फसलों की खरीद 3 अक्टूबर से ही पंजाब और हरियाणा में भी शुरू हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने धान की खरीद में हुई देरी के विरोध में शनिवार को कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस और हरियाणा में बीजेपी जजपा गठबंधन के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के आवास और पंजाब में जिला आयुक्त कार्यालयों का घेराव किया गया। तो हरियाणा और पंजाब में आज से धान खरीद शुरू कर दी गई है। सरकार का यहां पर यू टर्न देखने को मिला। 11 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होनी थी लेकिन आज से ही धान खरीद का ऐलान किया गया। किसानों के विरोध के बाद सरकार का यू टर्न हरियाणा और पंजाब में देखने को मिला। अश्विनी चौबे की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार ये देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।